हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अगेन विद न्यू वीडियो। एंड गाइस, इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप इस तरह की फोटो एडिट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन से। और गाइस, काफ़ी अमेजिंग फोटो एडिट कर रखी मैंने। और गाइस, इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इस तरह की फोटो एडिट कर सकते हो। और ये फोटो पहले कैसी थी आपको दिखा दूँ। तो गाइस, आप स्क्रीन में देख सकते हो, फोटो पहले ऐसी थी, बेकार सी फोटो थी, और मैंने इसको काफ़ी अमेजिंग तरीके से एडिट कर रखा है। और आप भी अपनी खुद की फोटो को सेम एज इट इज ऐसी एडिट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना, सिंपली इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना होगा। सो या गाइस, विदाउट एनी वेसिंग मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज यार, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साइड में घंटी का निशान दिख रहा है उसको भी क्लिक कर लीजिए गाइस। उसके बाद नीचे आपको एक कमेंट कर देना है, ऑसम नाइस, या अपना खुद का नाम है। ऑलराइट, सो गाइस, आपको चाहिए दो एप्लीकेशन। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है लाइट रूम। आपको प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, लाइट रूम के एप्लीकेशन को। और रीटच एक एप्लीकेशन है, ठीक है, इस ऐप को भी इंस्टॉल करना है अपने फोन में गैस, ठीक है। और इस रीटच का जो एप्लीकेशन जो डाउनलोड लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखा, वहाँ से आप इस रीटच एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। दोनों एप्लीकेशन को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको लाइट रूम की एप्लीकेशन ओपन करने का, ठीक है। और जैसे लाइट रूम की एप्लीकेशन ओपन करनी है, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी खुद की फोटो सेलेक्ट करने का, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फोटो ऐड कर ली लाइट रूम की एप्लीकेशन के अंदर। और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे साइड में कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस लाइट वाले ऑप्शन पे गाइस, ठीक है। तो इस लाइट वाले ऑप्शन क्लिक कर लीजिए, और इसका जो एक्सपोजर हल्का सा इंक्रीज करना है, ठीक है। एक्सपोजर अपनी फोटो के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ कर लीजिए, मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगा इतना गाइस, ठीक है। और उसके बाद आपको कॉन्ट्रास्ट को भी हल्का सा इंक्रीज़ करना है, और फिर यहाँ पर हाईलाइट्स को हल्का सा इंक्रीज़ कर लीजिए, और वाइट्स को भी इंक्रीज़ करना है, और यहाँ पर जो ब्लैक्स को हल्का सा कम कर लीजिए, ठीक है। ब्लैक्स को हल्का सा कम करना है। ब्लैक कम करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस कलर वाले ऑप्शन पे आना, जैसे अगले कलर वाले ऑप्शन में आना है आपको, और इसकी जो वाइब्रेंस है हल्की सी इंक्रीज़ करनी है, वाइब्रेंस हल्की सी इंक्रीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको ऊपर इस मिक्स वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, और यहाँ से आपको सबसे पहले इस जो फर्स्ट कलर दिख रहा है, ठीक है, इसको हल्का सा आपको क्या करना है, डिक्रीज़ करना है, यानी कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 20 के आसपास रख लूँगा, ठीक है। सैचुरेशन को भी हल्का सा मैं इंक्रीज़ कर लूँगा, 41 के आसपास रख लेंगे, ठीक है। लूमिनस को मैं हल्का सा बढ़ा लूँगा, ठीक है, 20 के आसपास। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस ऑरेंज वाले कलर पे आना है, अगले कलर पे आना है, ऑरेंज वाले पे इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपका, और उसके बाद यहाँ पे आपको इसका सैचुरेशन हल्का सा कम करना है, सैचुरेशन कम करना है, ठीक है आपको। और यहाँ पर आपको जो ऊपर ह्यू दिख रहा है, ह्यू हल्का सा इंक्रीज़ करना है, और लूमिनस को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। इतना करने वाला गाइस, आप देख सकते हो फेस में कितना यार ब्राइटनेस आ चुका है, यानी चमक आ चुकी है, फोटो काफ़ी अमेजिंग दिख रही है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको इस येलो कलर के ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग से यहाँ पे इसको कम ज़्यादा करना है, ठीक है। मैं इसको कम कर लेता हूँ, और इसको सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ा लेता हूँ, ल्यूमिनस को भी मैं हल्का सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। और गाइस, यहाँ पे देख लीजिए, मैंने फोटो में ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी है, और अगर आपने यहाँ पे ब्लू कलर या किसी भी कलर की टी शर्ट पहन रखी है, तो गाइस आपको उसी कलर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखी है, तो आपको यहाँ पे ब्लू कलर पे क्लिक करना है, और अपने कलर को यहाँ पे ब्राइट कर सकते हो गाइस, ठीक है, कम ज़्यादा करके। तो यहाँ पर ब्लैक टी शर्ट मैंने पहन रखी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा, क्योंकि ब्लैक में यहाँ पर कलर नहीं है, तो गाइस ठीक है, मैंने फेस को एकदम यहाँ पर ब्राइट कर दिया गाइस, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक अगला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे स्क्वायर वाला, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से टेक्सचर हल्की सी इंक्रीज़ करनी है, टेक्सचर को यहाँ पे टेक्सचर इंक्रीज़ कर लूँगा गाइस, ठीक है, हल्का सा। और यहाँ पे क्लियरिटी को हल्की सी इंक्रीज़ करनी गाइस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा विगनेट का गाइस, ठीक है, क्लियरिटी हल्की सी इंक्रीज़ करनी गाइस, ठीक है। और यहाँ पे विगनेट का ऑप्शन दिखा, विगनेट को आपको क्या करना है, विगनेट को आपको यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, ठीक है। विगनेट को फुल कर लीजिए, 100 कर लीजिए गाइस, ठीक है। और जैसे 100 करोगे ना, तो गाइस यहाँ पे नीचे देख लीजिए, एकदम वाइट वाइट्स आ रहा है, ठीक है, जो काफ़ी अमेजिंग दिखता है फोटो में। तो ये देख लीजिए, विगनेट वाइट वाइट्स आ रहा है। और उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे अगले ऑप्शन पर आना है, इस ट्राई एंगल वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, इसकी शार्पनिंग हल्की सी इंक्रीज़ करनी है, शार्पनिंग और नॉइस रिडक्शन हल्का सा बढ़ाना है, जैसे नॉइस रिडक्शन को बढ़ा लीजिए, और कलर नॉइस रिडक्शन को भी आपको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस यहाँ पे देखो, फोटो काफ़ी अमेजिंग तरीके से बन चुकी है गाइस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे इस तरीके यहाँ पे दिख रहा है गाइस, ठीक है। इसको रिमूव करना है, रिमूव करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे पहले फोटो को सेव करना होगा, ठीक है। फोटो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, सेव टू डिवाइस। फोटो को सेव करने के बाद आपको जाना है उस रीटच एप्लीकेशन के अंदर गाइस, ठीक है। तो गाइस काफ़ी अमेजिंग ट्रिक है, डेफिनेट ट्राई करना अपनी फोटो में, और आपकी फोटो इससे काफ़ी अमेजिंग तरीके से एडिट होने वाली गाइस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए, फोटो सेव हो चुकी है, और इसको मैं सीधा यहीं से शेयर कर दूंगा, ठीक है, शेयर टू रीटच में गाइस, ठीक है।
तो गाइस यहाँ से मैं इसको शेयर कर दूँगा रीटच की एप्लीकेशन। तो ये रीटच की एप्लीकेशन मैंने इसको क्लिक कर लेगा इस, ठीक है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये रीटच की यहाँ पे गाइस आपको बैकग्राउंड में इस चीज़ को रिमूव करने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिमूव पर क्लिक करना है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे इसे ड्रॉ करवाना गाइस, ठीक है। और फिर गो पे क्लिक करना आपको, और ये देख लीजिए एकदम रिमूव हो चुका गाइस, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको इसे ड्रॉ करना है, अगर आपको पीछे का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आपको इस एप्लीकेशन यूज़ करना होगा। ये देख लीजिए काफ़ी यार अमेजिंग तरीके से यहाँ पे रिमूव हो रहा है। और गाइस आप देख सकते हो फोटो काफ़ी अमेजिंग तरीके से एडिट हो चुकी है। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे अपना लोगो ऐड करना है गाइस, ठीक है, साइड में, तो आप पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर जाकर अपना लोगो ऐड कर सकते हो। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर लाइक वीडियो शेयर करो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहा, जो कहने की हेल्पफुल होती है। सो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड विथ निक टेक्निकल।